तो यार, टू व्हीलर मार्केट में इंजन नॉर्म्स चेंज होने के कारण हर कंपनी को अपने मॉडल्स का अपडेटेड वर्जन यहाँ पे इंडिया में लॉन्च करना पड़ रहा है। उसी का एक जो है बजाज की तरफ से आया है, बजाज पल्सर 125 जो आती है आपकी, उसका एक अपडेटेड वर्जन। और फाइनली 2023 वेरिएंट लॉन्च कर दिया है बजाज ने पल्सर 125 का। तो क्या कुछ अपडेट हुए हैं, क्या कुछ प्राइस में इंक्रीज हुआ है और अब क्या जो है नए फीचर्स इस बाइक में कंपनी की तरफ से आने लग गए हैं, उन्हीं के बारे में करेंगे आज डिटेल में बात। तो वीडियो देखना पूरा एंड तक। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो फटाफट चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन कर दीजिएगा ऑल, ताकि किसी भी तरह का बाइक से रिलेटेड कॉन्टेंट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहले आप लोगों को जो है जो लुक वगैरह है वो कंप्लीट सेम है, ज़्यादा कोई बड़ा मतलब लुक वगैरह से डिज़ाइन से रिलेटेड कोई खासा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे नया कलर एड ऑन हो गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके अलावा ग्राफिक्स यहाँ पे कंप्लीट चेंज कर दिए हैं, पहले से ज़्यादा अच्छे लुक्स अब आपको ग्राफिक्स में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे साइड पैनल में आप देख सकते हो ग्राफिक्स कंप्लीट चेंज किए हैं, टैंक पे जो 3D लोग है उसका डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है और टैंक पे जो ग्राफिक्स हैं उनको भी कम्प्लीटली यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। अब बात करते हैं मेजर चेंजेस क्या क्या हुए हैं। तो सबसे बड़ा जो अपडेट इस बाइक में हुआ है वो है इंजन से रिलेटेड। BS6 फेज 2 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अब आपको नया इंजन OBD सेंसर के साथ तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ अब आपको FI इंजन देखने को मिलेगा। अभी तक जो पल्सर 125 आ रही थी उसमें आपको कार्बोरेटर इंजन देखने को मिल रहा था, लेकिन अब 2023 वेरिएंट में आपको फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलेगा। तो ये एक बड़ी डिमांड थी काफ़ी टाइम से लोगों की जो पल्सर फैंस हैं कि यार FI इंजन तो आना ही चाहिए इतने टाइम से, मतलब हर बाइक में अब तो FI इंजन आ रहा है। तो फाइनली बजाज वालों ने सुन लिया और पल्सर 125 में अब आपको जो है 124 सीसी का एयर कूल इंजन FI टेक्नोलॉजी के साथ देखने को मिलेगा, BS6 फेज 2 नॉर्म जिसमें 20% एथेनॉल फ्यूल को भी सपोर्ट करता है। साथ ही साथ पावर वगैरह भाई सेम है, 11.2 PS की पावर देखने को मिलेगी, 10.8 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा, 5 स्पीड का गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। दूसरा जो बड़ा बदलाव है वो है इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर को लेके। अब आपको जो पल्सर 150 आती है उसका यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिलेगा, उसमें आपको जो 2-3 फीचर्स और एड ऑन हो गए हैं, और यहाँ पे जो है सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा, कुछ नए फीचर्स जो है एड ऑन हुए हैं। उसके अलावा जो एक और बड़ा अपडेट है वो किया गया है इसके डिस्क ब्रेक से रिलेटेड। जो डिस्क प्लेट की आप डिज़ाइन देख रहे होंगे ये कंप्लीट चेंज कर दी गई है, अब इसमें P150 वाली डिस्क प्लेट यहाँ पे आने लग गई है। तो ब्रेकिंग है जो पहले से ज़्यादा और मजबूत होने वाली है, साथ ही साथ जो अलॉय के डिज़ाइन है वो भी कंप्लीट चेंज कर दिए हैं। टायर साइज वगैरह सब कुछ सेम है, 17 इंच के टायर ही देखने को मिलते हैं अभी भी आपको, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आया है, लेकिन जो अलॉय का डिज़ाइन है वो चेंज कर दिया है। तो पहले से ज़्यादा और स्पोर्टी लुक अब इस बाइक का आ रहा है और बाइक कंप्लीट आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है। तो ये कुछ 4-5 मेजर चेंजेस हैं जो इस बाइक में हुए हैं, और भी छोटे छोटे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, लेकिन जो मेजर चेंजेस हैं जिन पे फोकस रखा गया है कंपनी का ज़्यादा, और जो चेंजेस मतलब ऑडियंस की डिमांड थी कि ये तो होने ही चाहिए, वो फाइनली 2023 वेरियंट में कंपनी ने कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो है यही कुछ चेंजेस हुए हैं। और बात करें अगर प्राइस की तो आई थिंक कुछ 4-4.5 हज़ार रुपये अब आपको पहले से महंगी मिलेगी। अभी तक हमारे जयपुर में इसकी जो प्राइस थी 1,05,000 रुपये के आसपास थी, 1,05,000, 1,06,000, अब आपको 1,10,000 की रेंज में ये बाइक देखने को मिलेगी। तो जो भी आपकी सिटी में वैरी कर सकती है रेट, जो भी रेट थी पहले उससे 4-4.5 हज़ार रुपये इंक्रीज़ कर दिए गए हैं, लेकिन जितने सारे फीचर्स आपको दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग 4-4.5 हज़ार रुपये तो भाई इंक्रीज़ होना लाजमी है कंपनी की तरफ से। तो बस यही था 2023 बजाज पल्सर 125 का नया वेरिएंट। और कमेंट करके बताना कि 125 सीसी के सेगमेंट में आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है और ये जो नया मॉडल आया है ये आपको कैसा लगा। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम राइड सेफ एंड ऑलवेज वियर अ गुड क्वालिटी हेलमेट। गुड बाय।